नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर पौधे लगाना और साक्षात समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर पौधे लगाने की प्राचीन काल से ही समझ लीजिए कि परंपरा रही है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कई ऐसे त्यौहार आते हैं जो बिना पौधों की पूजा किए या पौधों से जुड़ी चीज़ें जैसे पत्ते हो गए, पुष्प हो गए, इनको जुड़े या इनकी पूजा किए बिना संपन्न ही नहीं होते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर पेड़ पौधों का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति हर कोई पौधे अपने घर के अंदर नहीं लगा सकता, या वह लगाता भी है तो उनकी देखभाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को कई बार अच्छे परिणाम के बजाय कई प्रकार के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से हर कोई आजकल पौधे लगाने से डरता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अगर आप एक साथ लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर से दुख अपने आप ही चला जाता है। उन पौधों की सकारात्मकता इतनी आपके घर के अंदर फैलती है कि आप स्वयं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर धन की बरकत देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर के अंदर धन की कई गुना बरकत करवा देते हैं और आप यकीन नहीं करते, लेकिन वह पौधे आपके इतने साथ खड़े रहते हैं जिसकी आप अपने जीवन के अंदर कल्पना की है, लेकिन वह आपकी कल्पना साकार होती है इन पौधों को अपने घर के आंगन के अंदर लगाने मात्र से। दोस्तों, तो बात करते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें आपको हमेशा एक साथ लगाना चाहिए ताकि आपको उसका फल प्राप्त हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पौधे जिन्हें अपने घर के अंदर भी नहीं लगाएं या इन्हें साथ लगाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, तो अब बात करते हैं उन पौधों के बारे में जो आपको अपने घर के अंदर लगाने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वमान्य पौधा है और हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्थान रखता है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जिस घर के अंदर होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास अपने आप ही हो जाता है। तुलसी दोस्तों भगवान विष्णु जी के चरणों के अंदर स्थापित की जाती है, अर्थात भगवान विष्णु का जहाँ वास होता है वहाँ तुलसी जरूरी और सर्वमान्य पौधा होता है। साथ ही साथ जिस घर के अंदर तुलसी होती है और जिस घर के अंदर तुलसी हरी भरी रहती है उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी नकारात्मकताएं नहीं आती, बाहर से ही तुलसी के पौधे को देखकर वहां से अपने आप ही चली जाती है, जिस कारण तुलसी के पौधे की बहुत बड़ा विधान माना गया है। साथ ही साथ आपके घर के अंदर धन की बरकत करवाना हो, परिवार के सदस्यों के आपसी तालमेल को बिठाना हो, तो बस मात्र आप रोजाना तुलसी को जल चढ़ाएं अपने घर के अंदर और शाम के समय एक दीपक जलाएं और फिर देखें कि आपके जीवन के अंदर कैसे अचानक फायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगले पौधे की हम बात करें तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष होता है, कई बार हम घर बनाते हैं और घर बनाते बनाते ही हमें पता नहीं चलता और घर के अंदर कहीं ना कहीं रूप से वास्तु दोष हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर अपने आप ही, जो पहले हमारे जीवन अच्छा चल रहा था लेकिन घर के कारण अपने आप ही दुख दरिद्रता आना, घर के सदस्यों के बीच में आपसी तकरार रहना, संतान प्राप्ति न होना या फिर धन के मामलों में हमेशा पीछे मुड़कर देखना, ऐसी चीजें अगर आपके साथ होने लगती है तो दोस्तों आपको मात्र अश्वगंधे का पौधा तुलसी के पौधे के पास अपने घर के अंदर जरूर लगा कर रखें। उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर भी इस प्रकार के दोष है, क्योंकि दोस्तों अश्वगंधे का पौधा आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करता ही करता है, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम इतना बढ़ाता है जिसकी आप अपने जीवन के अंदर कल्पना नहीं कर पाते। जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, अश्वगंधे की महक के कारण वह भी आपस में मिलने लगते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में भी परस्पर प्रेम अपने आप ही बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको धन की कमी है, आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे, तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज है तुलसी के पौधे के पास आप आंवले का पौधा लगाएं। आंवले का पौधा दोस्तों घर के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम और भक्ति भाव बढ़ाता है।
और रोजाना अगर आप आंवले के पौधे के दर्शन मात्र कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी भी कार्य हेतु जाएंगे तो उस कार्य के अंदर तो आपको तरक्की अपने आप ही देखने को मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उस कार्य के साकार होने की संभावना भी कई गुना तक अपने आप ही बढ़ जाती है। इतना दिव्य आंवले के पौधे के अंदर गुण होता है। यह दोस्तों नकारात्मक शक्ति जो होती है, बुरी शक्ति होती है, उसे तो सोख लेता है, अपने पास से छोड़ता नहीं है, और लेकिन सकारात्मकता को बदल के वापस इतना प्रभावशाली यह पौधा कर देगा कि आंवले के पौधे की वजह से भगवान विष्णु जी को साक्षात आपके घर के अंदर रहना आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु का प्रतीक आंवले का पौधा माना जाता है। दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु नारायण को अपने घर के अंदर बुलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोनों जोड़े के साथ आपके घर के अंदर रहे, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, धन का अभाव कभी ना हो, तो आप क्या करें कि केले का पौधा होता है जिसे आप अपने घर के अंदर लेकर आए, प्रत्येक गुरुवार को कोई केले के पौधे के साथ आपको दीपक जलाना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों तुलसी और केले की जोड़ी मानी जाती है। जिस घर के अंदर तुलसी और केले का पौधा एक साथ में होता है, समझ लीजिए कि उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता, और तुलसी का पौधा और इसके साथ होने की वजह से आपके जीवन के अंदर कई गुना संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे पौधे की जो कि आपके जीवन के अंदर आपकी तरक्की को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बांस के पौधे को लोग लगाने से मना करते हैं, या कई बार हमने भी आपको मना किया है कि बांस का पौधा आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बांस का प्रयोग अंतिम समय के अंदर होता है, इस वजह से अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ एक ऐसी दिशा होती है जहां पर आप बांस का पौधा अपने घर के अंदर लगा के उसकी वृद्धि के साथ साथ घर की बरकत के अंदर वृद्धि भी देख सकते हैं। तो यह कोना होता है दोस्तों उत्तर दिशा का कोना। आप अपने घर के अंदर बांस का पौधा लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा के कोने के अंदर बांस का पौधा लगाकर देखिए, आपको तरक्की प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको कहीं भी बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको कई प्रकार के दुखों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पौधे लगाते समय इनकी दिशा विशेष का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अगर दूसरे पौधे की बात करें तो दोस्तों एक और पौधा आपको अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, वह है रात की रानी, अर्थात आपको एक परिजात का पौधा कहा जाता है, रात की रानी भी कहा जाता है, जिसके पौधे रात के अंदर खिलते हैं। साक्षात दोस्तों राम मंदिर जब बना था तब भूमि पूजन के दौरान मोदी जी के द्वारा भी परिजात का पौधा लगाया गया था। यह परिजात का पौधा जिसे हरसिंगार का पौधा भी कहा जाता है, जिसके पौधे के माध्यम से हरि का श्रृंगार किया जाता है, यह पौधा जिस घर के अंदर होता है उस पौधे के अंदर अपने आप ही ओजस्व गुण होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नकारात्मकता को तो आपके पास भी नहीं फटकने देता, अपने आप ही आपके घर के अंदर अच्छा माहौल बनाता है, जिसकी वजह से इन पौधों के माध्यम से आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। यह पौधा साक्षात हरि विष्णु को समर्पित है, भगवान शिव जी को भी ये चढ़ाया जाता है इसका पुष्प, और उसके बाद देखिए कि आपके घर के अंदर किस प्रकार देवी देवताओं का प्रवेश होता है और आपके काम बन जाते हैं। दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष प्रभावी रूप से चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कुछ तो शनि दोषों से आपको शांति मिले, या फिर आप चाहते हैं कि अगर आपके जीवन के अंदर शनि दोष भी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि शनि देव आपके जीवन के अंदर शांति बनाए रखे, भगवान शनिदेव का आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद मिलता रहे, तो आपको बस मात्र एक शमी का पौधा अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए। शमी का पौधा जिसे भगवान शनि का रूप माना जाता है, और यह पौधा अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो समझ लीजिए साक्षात आप अब भगवान शनिदेव को अपने घर के सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बस आप नित्य शमी के पौधे को जल चढ़ाएं, और शमी की पत्तियां होती है जो भगवान शनिदेव को अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर गरीबी है या आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीजें हैं। आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान शनिदेव की आपके जीवन के अंदर असीम कृपा आपको देखने को मिली है। अब दोस्तों हमने आपको जो भी पौधे बताए हैं, इन पौधों के पास आपको एक तो कांटे वाले पौधे भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप इन पौधों के पास कांटे वाले पौधे लगाते हैं जिनकी तने के अंदर, जिनकी टहनियों के अंदर, जिनके पत्तों के अंदर कांटा होता है, यह पौधे इन पौधों के पास लगाएंगे तो समझ लीजिए कि आप नकारात्मकता को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर देंगे, और इन पौधों की जो सकारात्मकता होती है वह अपने आप ही चली जाएगी। फिर इन पौधों का प्रभाव आपका आपके जीवन के
के अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो नकारात्मकता से भर जाएंगे तो फिर सकारात्मकता उनके अंदर नहीं बचती है। इसी वजह से कांटेदार पौधे इनके पास भूलकर भी आपको नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी जो आपके घर के पौधों से जुड़ी थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए, साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी कोई भी जानकारी होती है तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जय लक्ष्मी माता या आपके घर के अंदर कौन से पौधे हैं हमें बताएं ताकि आपका कल्याण हो। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।